आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडेक्स यानी सूचकांक के बारे में कि वर्ष 2023 में जितने भी सूचकांक रिलीज किए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सिलेक्टेड सूचकांक है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है सिर्फ उसको ही डिस्कस किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और यह जो सूचकांक होगा जनवरी से लेकर जून तक का सूचकांक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश सबसे ऊपर है यानी पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो सही उत्तर है जापान जो है यह पहले स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में और यह जो बताता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा कि कौन सा जो देश है उसका पासपोर्ट सबसे मजबूत है किस देश का पासपोर्ट जो है सबसे ज्यादा मजबूत है। तो सही उत्तर है इसका जापान जो देश है इसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है पूरे विश्व में। अगर हम भारत की बात करते हैं तो 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान था और 2022 में इसका था रैंकिंग 87वां यानी भारत जो है वह 2 अंकों का इम्प्रूवमेंट किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और यह जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसको रिलीज करता है लंदन का एक फर्म है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इसे हर साल इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो सही उत्तर इसका है भारत जो है यह चौथे स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। तो सही उत्तर इसका है चौथा स्थान होगा। अगर हम बात करते हैं और सब देशों की तो अमेरिका जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर है चीन और भारत जो है यह चौथे स्थान पर है। अगला है निम्नलिखित में से किसे ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व स्तर पर दूसरा और भारतीयों में शीर्ष स्थान बना दिया है। तो सही उत्तर इसका है मुकेश अंबानी जो है इनको ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व स्तर पर इनका दूसरा और भारत में यह शीर्ष स्थान पर है। और यह जो ब्रांड गार्डियनशिप सूचकांक है यह रिलीज होता है प्रकाशन हुआ है 9 जनवरी को और इसके प्रकाशन करता है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है वो विश्व आर्थिक मंच के सत्र में। हम लोग देखते हैं भारत की जो कंपनियां के सीईओ हैं इसमें ब्रांड गार्डियनशिप सूचकांक 2023 में तो टॉप 5 जो भारत के सीईओ हैं दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी, 8वें पर है नटराजन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के सीईओ हैं, 23वें पर है आनंद महिंद्रा, 26वें पर है सुनील मित्तल, 48वें पर है दिनेश कुमार खारा। तो आप मेनली टॉप पोजिशन याद रखियेगा मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है वह 5वें स्थान पर है इसमें ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान है 5वां। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान दिया गया था। तो सही उत्तर है इसमें पश्चिम बंगाल जो राज्य है वह फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्यों में वेस्ट बंगाल है, छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें है केरल और यूनियन टेरिटरीज में है लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो इसमें है मिजोरम। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो सही उत्तर इसका है भारत जो है वह 108वें नंबर पर है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 108वां नंबर। अगला क्वेश्चन है विश्व खुशी सूचकांक 2023 में कौन सा देश सबसे ऊपर है। तो सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड जो है वह नंबर 1 पोजीशन पर है विश्व खुशी सूचकांक 2023 में। अगर हम इस सूचकांक में यानी विश्व खुशी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत जो है वह 126वें नंबर पर है वर्ष 2023 में, लेकिन यह 2022 में 136वें नंबर पर था और 2021 में यह 139वें नंबर पर था, 2020 में यह 144वें नंबर पर था। और इसमें जो टॉप 5 देश हैं इनका नाम है पहले पर है फिनलैंड, दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है आइसलैंड, चौथे पर है इजराइल, 5वें पर है नीदरलैंड। ये आप टॉप 1 याद रखिएगा यानी पहला फिनलैंड और भारत का रैंक याद रखिएगा कि भारत जो है वह
126वें स्थान पर है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है, तो सही उत्तर है इसका अफगानिस्तान। जो देश है वह वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान जो देश है वह सबसे ऊपर है। अगर इसमें हम भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत जो है वह 13वें स्थान पर है, भारत है 13वें स्थान पर है। और यह जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है वह प्रकाशित करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अगला है किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 को जारी किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा UNCTAD जो है वह प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 को जारी किया है UNCTAD। तो UNCTAD का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका यह फुल फॉर्म है UNCTAD का। यह जो है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट को जारी करता है। अगला है भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक जो राज्य है वह नंबर एक पोजीशन पर है भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में। अगर हम और राज्यों की बात करें तो नंबर एक पर है कर्नाटक, नंबर दो पर है तमिलनाडु, नंबर तीन पर है तेलंगाना, नंबर चार पर है गुजरात, नंबर पांच पर है आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार जो है यह 16वें नंबर पर है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और इसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा 2019 में इसे शुरू किया गया था और इस वर्ष इसका तीसरा संस्करण है। अगला है दुनिया के सबसे आपराधिक देश कौन सा है, तो सही उत्तर है वेनेजुएला जो है वह दुनिया का सबसे आपराधिक देश है वेनेजुएला। अगर हम और देशों की रैंकिंग की बात करें तो नंबर दो पर है पापुआ न्यू गिनी, नंबर तीन पर है अफगानिस्तान, नंबर चार पर है दक्षिण अफ्रीका, नंबर पांच पर है होंडुरास, नंबर छह पर है ट्रिनिडाड, नंबर सात पर है गुआना, नंबर आठ पर है सीरिया, नंबर नौ पर है सोमालिया और नंबर दस पर है जमैका। आप इसे याद रखिएगा। और भारत जो है वह 77वें स्थान पर है इसमें। और आश्चर्य की बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है वह आपराधिक रैंकिंग वाले देश में यह भारत से आगे है। अगला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार स्टार्टअप यूनिकॉर्न हब में भारत की स्थिति क्या है, तो सही उत्तर है भारत जो है वह तीसरे स्थान पर है स्टार्टअप यूनिकॉर्न हब में। तो नंबर एक पर है USA, नंबर दो पर है चाइना। और यूनिकॉर्न वैसे कंपनियों को कहते हैं जिनके जो मार्केट वैल्यू है वह $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न, उसको हम कहते हैं स्टार्टअप को। और वैश्विक स्तर पर जो है भारतीय के द्वारा टोटल यूनिकॉर्न की संख्या 138 हो गई है, सर्वाधिक यूनिकॉर्न जो है वह अमेरिका में है। अगला है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का रैंक क्या है, तो सही उत्तर होगा भारत जो है चौथे पोजीशन पर है वैश्विक सैन्य व्यय में, यानी मिलिट्री पर यहाँ खर्चा होने में चौथे स्थान पर है विश्व में, जो कि मिलिट्री पर यह खर्चा करता है। और यह जो रिपोर्ट है जारी किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी के द्वारा। यह जो रिपोर्ट है इसका थीम है दुनिया भर में जो सैन्य खर्च होते हैं उसका यह रैंकिंग प्रोवाइड करता है। नंबर एक पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर दो पर है चीन, नंबर तीन पर है रूस और चौथे नंबर पर आता है भारत का स्थान। अगला क्वेश्चन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो सही उत्तर होगा भारत जो है 121वें स्थान पर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में, भारत जो है वह 121वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, भारत वर्तमान में 112वें स्थान पर है। अगर हम टॉप टू की बात करें तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर है न्यूजीलैंड, आप इसे अभी याद रखिएगा। अगला है विश्व बैंक का रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक क्या है, तो सही उत्तर है भारत जो है वह 38वें नंबर पर है। और यह जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है यह जारी करता है विश्व बैंक के द्वारा। इसमें पहले स्थान की बात करते हैं तो सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे पर है डेनमार्क। और 2018 में भारत की रैंक बात करते हैं तो 44वें नंबर पर था भारत 2018 में, जो कि
2023 में यह हो गया है भारत 38वें स्थान पर है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो सही उत्तर इसका है भारत जो है वह 160वें नंबर पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी किया गया है 3 मई 2023 को, यह जो है 21वां संस्करण है। और इसमें पहले स्थान पर जो है नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, बस यही दो याद रखिएगा इसमें आप। और यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वह 5 अलग अलग कारकों पर आधारित है और इसके कारण ही इसका रैंकिंग दिया जाता है। यह है राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक, इसके आधार पर ही रैंकिंग दिया जाता है। अगला है MOPSW ने डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो सही उत्तर इसका यह दूसरा स्थान हासिल किया है। और MOPSW का जो फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, यह जो है डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह दूसरा स्थान हासिल किया है। और इसे नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। जो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है यह विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय और नीति आयोग के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। अगला है कोविड वर्ष 2020-21 की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करता है, तो सही उत्तर इसका है दो इसमें राज्य है तमिलनाडु और केरल, यह दोनों जो है शीर्ष स्थान पर है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही उत्तर। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम जो है वह शीर्ष 3 राज्य है छोटे राज्यों में, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जो है वह इसमें सबसे नीचे है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो है वह शीर्ष पर है। अगला है सामुदायिक भावना सूचकांक द्वारा हालिया रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे अनुकूल शहर कौन सा है, तो सही उत्तर है टोरंटो जो शहर है कनाडा का वह सामुदायिक भावना सूचकांक के द्वारा रैंकिंग के अनुसार यह दुनिया का सबसे अनुकूल शहर है। सबसे कम अनुकूल शहर की बात करें तो पहले पर है घाना, दूसरे पर है मोरक्को, तीसरे पर है मुंबई, चौथे पर है कुआलालंपुर, पांचवे पर है रियो डी जेनेरियो, छठे पर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 2023 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, तो सही उत्तर है भारत जो है 127वें नंबर पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। और यह जो रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच जो है वह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश करता है। और इसे 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पेश किया गया एक बेंचमार्क इंडेक्स है। अगर हम भारत की बात करें 2022 के संस्करण में तो भारत जो है 135वें स्थान पर है और वर्ष 2023 में यह 127वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे पर है नॉर्वे, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर सबसे ऊपर है, तो सही उत्तर है वियना ऑस्ट्रिया का जो शहर है वह ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में यह शहर सबसे ऊपर है। अगर हम बात करते हैं भारत की शहर के बारे में तो नई दिल्ली और मुंबई जो है वह 141वें स्थान पर है, चेन्नई जो है वह 144वें स्थान पर है, अहमदाबाद जो है 147वें पर है, बेंगलुरु जो है वह 148वें पर है। और यह जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है यह जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यानी EIU के द्वारा। अगला है सामान्य वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जिसे हाल ही खबरों में देखा गया था वह किससे संबंधित है, तो सही उत्तर है यह रक्षा से संबंधित है सामान्य वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा स्थान सबसे ऊपर है, तो सही उत्तर है सिलिकॉन वैली जो है वह ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में सिलिकॉन वैली जो है वह सबसे ऊपर है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो बेंगलुरु जो है वह 20वें स्थान पर है और दिल्ली जो है वह 24वें स्थान पर है। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा शहर सबसे ऊपर है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डेनमार्क जो शहर है वह सबसे ऊपर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डेनमार्क। और यह जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है वह रिलीज किया जाता है IMD के द्वारा यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे
रिलीज किया जाता है। अगर हम इसमें टॉप 10 देश की बात करें तो यह है डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, ताइवान, हांगकांग, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। यह जो है टॉप 10 देश है। इसमें अगर हम बात करते हैं भारत की रैंक तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में तो भारत जो है वह इसमें 40वें स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत जो है वह 40वें स्थान पर है। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो सही हो जाएगा इसका उत्तर भारत जो है 67वें स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 67 नंबर। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 की तो यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और भारत जो है वह 67वें स्थान पर है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो स्वीडन जो है यह पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पर है नॉर्वे, चौथे पर है फिनलैंड और पांचवें पर है स्विट्जरलैंड। यह ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक है 67वां। आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पहला रैंक भी पूछा जा सकता है और कौन जारी इसे करता है यह भी पूछा जाता है और भारत का क्या रैंक है यह भी पूछा जा सकता है। तो यह कुछ इंडेक्स यानी सूचकांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वर्ष 2023 में जितने भी सूचकांक पब्लिश हुए हैं उसको आपको हम एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।